कभी साइंटिस्ट कभी चिकित्सक बनकर सराफा व्यापारियों से लाखों रुपयों की ठगी करने वाले फर्जी डॉक्टर महाजन के खिलाफ तहसील पुलिस ने मामला दर्ज किया। ताजा प्रकरण में उसने इतवारी के एक सराफा व्यापारी को 78,000 रुपये का चूना लगाया। केंद्र सरकार द्वारा ट्रेनों के निजीकरण के प्रयासों को लेकर रेल जगत में हड़कंप मचा हुआ है। रेल कर्मचारी ट्रेनों का निजीकरण करने बर्दाश्त न करने की भूमिका में है। ऐसे में रेलवे के श्रमिक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं और आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मनपा के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण घंटावार और उनकी पत्नी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शीलू घंटावार को अदालत द्वारा जमानत दिए जाने से इनकार करते ही एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो हरकत में आ गई। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी के रेट भी बढ़ रहे हैं। इसका असर घरेलू सराफा कारोबारी में देखने को मिला, जहां एक और चांदी की कमी महसूस की जा रही है। वही खदान बंद होने से सोने का उत्पादन प्रभावित हो रहा। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गुरुवार को गलत बिजली बिल के मामले में राज्य के ऊर्जा विभाग के सचिव और महावितरण कंपनी को नोटिस देकर उत्तर के लिए 2 सप्ताह की मोहलत दी। शहर में महानगर पालिका के 131 उद्यान है, वही इनमें नागपुर सुधार प्रन्यास के 46 उद्यानों को भी मनपा को हस्तांतरित कर दिया है। पहले से ही मनपा के उद्यान विभाग के पास कर्मचारियों की कमी है और काम करने वाले माली नहीं है। इन परिस्थितियों में उद्यानों की देखभाल किस तरह की जाएगी, यह प्रश्न उद्यान विभाग के समक्ष खड़ा है। जुलाई महीने की शुरुआत से ही कोविड पॉजिटिव रोगियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती दिख रही है। इसी महीने के दिन में 183 रोगी मिलने का रिकॉर्ड बन गया है। बंदूक की नोक पर जबरन हस्ताक्षर करवाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने के प्रकरण में साल सैयद को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश करके हिरासत में लिया जाएगा। यह मामला बजाज नगर थाने में दर्ज हुआ था। महापौर संदीप जोशी ने कहा है कि मध्यम वर्गीय दुकानदारों की हालात बहुत गंभीर है। इसे देखते हुए मनपा आयुक्त ने शहर में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नागपुर शहर में कोविड संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनमें 30% संक्रमित ग्रामीण इलाकों के हैं। 3 मरतबा लॉकडाउन लगाने के बाद भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन शहरवासियों ने यदि अगले 3-4 दिनों में अपना व्यवहार में सुधार नहीं लाया तो मजबूरन कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ेगा।